हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 11 जून से लेकर 20 जून के मध्य घटित छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाओं के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। ज़्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को एमसीक्यू के माध्यम से ले आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रणाली में पारदर्शिता हेतु तथा तत्काल निराकरण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस प्रणाली को शुरू करने की घोषणा की गई है। तो राजस्व प्रणाली में पारदर्शिता और तत्काल निराकरण हो सके, इसके लिए जो प्रणाली लाई गई है वो क्या लाया गया दोस्तों, ई कोर्ट। ठीक है, राजस्व ई कोर्ट की जो है स्थापना की जाएगी। सीएम ने जो है डिक्लेयर किया है कि अक्टूबर से जो है राजस्व ई कोर्ट जो है काम करेगा, ताकि जो है ई कोर्ट के द्वारा जो है चीज़ें जो है सरल हो जाएंगी और निगरानी वगैरह जो है, ऑब्जर्वेशन वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा से हो पाएगा, है ना, सुपरविजन कहना चाहिए, ज़्यादा अच्छा से हो पाएगा। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की मोनिका तिर्की का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो मोनिका तिर्की एक नई खिलाड़ी है, तो इनका किस खेल से संबंध है, हॉकी से। ठीक है, जूनियर प्लेयर हैं ये और हॉकी खेलती हैं, और खेलो इंडिया हॉकी अकादमी में जो इनका हाल ही में चयन हुआ है, इसलिए इनका नाम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जारी किए गए दर्पण वेबसाइट का संबंध किन योजनाओं से है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो है दर्पण वेबसाइट और साथ ही इसका मोबाइल ऐप भी जो है लॉन्च किया है, तो इसका संबंध जो किन योजनाओं से है, सुराजी गांव योजना, सुराजी गांव योजना जो चल रहा है दोस्तों, तथा साथ में जो अन्य फेलोशिप योजनाएँ चल रही हैं, इन सभी की नियमित मॉनिटरिंग वगैरह जो है इसके द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि दर्पण वेबसाइट वगैरह जो है ये एक नियमित मॉनिटरिंग वाली वेबसाइट है, जिसपे आप जाके वेब निगरानी कर सकते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ की किस यूनिवर्सिटी ने यानी कि विश्वविद्यालय ने परीक्षा संबंधी अपने प्रश्नों एवं समय की अवधि को कम कर दिया है। ठीक है, तो वर्तमान की जो परिस्थिति को देखते हुए अभी भी जानते हैं कि स्कूल कॉलेज तो खुल नहीं रहा है, आज ही मैंने पढ़ा भी कि कोचिंग वगैरह भी जो है वो अभी तो बंद है, लेकिन जो संगठन है वो बात कर रहा है, तो भाई चल रहा है कि ठीक है भाई खोलने पे विचार चल रहा है, और आई थिंक 15 बच्चे के आसपास जो है कुछ रहेंगे एक बार एक क्लास में, ऐसा कुछ है। तो गवर्नमेंट भी निकाल रही उपाय वगैरह, तो जानते हैं कि इस परिस्थिति में जो है अभी एग्ज़ाम्स वगैरह जो है सब एक्सटेंड हो रखे हैं, है ना, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके स्कूल एजुकेशन एग्ज़ाम्स हो। तो इस दौर में जो है छत्तीसगढ़ की जो सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय है, ठीक है, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का एक मात्र जो है ओपन यूनिवर्सिटी है ये सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, इन्होंने जो है अपने प्रश्न पत्र की संख्या और उसके समय को जो है कम कर दिया है। आने वाले समय में जब भी परीक्षा लेंगे तो ठीक है परीक्षा तो होगी, लेकिन बच्चे जो है ज़्यादा देर तक एग्ज़ाम नहीं देंगे, ज़्यादा समय व्यतीत ना करके कम से कम समय में ही जो है अपना परीक्षा देकर निकल जाएंगे, ऐसी इन्होंने प्लानिंग कर रखी है कोविड-19 से बचने के लिए। चलिए अगला देखते हैं, देश का पहला पुलिस म्यूजियम में छत्तीसगढ़ के किन शहीद पुलिसकर्मियों का नाम शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, तो देश का पहला जो है पुलिस म्यूजियम जो है वो बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, देश का है तो कहाँ बना सकते हैं, दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है, तो दिल्ली में जो है पुलिस म्यूजियम की स्थापना की गई है, और देश भर में जो भी पुलिसों की वीरता है, ठीक है, उसको वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इसी कह सकते हैं क्रम में जो है छत्तीसगढ़ में ताड मेटला कांड हुआ था, जो आप जानते हैं, ठीक है, बस्तर में, तो उसमें 76 जवान जो है हमारे शहीद हो गए थे, तो इन पुलिसकर्मियों की जो है वहाँ पे नाम जो है उकेरा गया है, दर्ज किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, गलवान लद्दाख, है ना, तो गलवान घाटी आप जानते हैं काफ़ी चर्चा में अभी, तो गलवान घाटी लद्दाख में हुए चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में छत्तीसगढ़ के शहीद हुए जवान कौन हैं, ये प्रश्न जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि गलवान घाटी में आप जान रहे थे कि छत्तीसगढ़ से भी एक जवान थे कांकेर के, ठीक, तो ये आप हैं गणेश कुंजाम, ठीक है, शहीद गणेश कुंजाम जो है दोस्तों ये जो है कांकेर से संबंधित थे, सेना में थे, और चीनी बॉर्डर पे जो है झड़प हुई थी और वहाँ पे जो है ये शहीद हो गए थे। ठीक है, आप जानते हैं कि 20 लोग थे टोटल, 20 सैनिक, और बाकी सब तो आप जान ही रहे हैं, वो चल रहे हैं न्यूज़ वगैरह में, तो इनका नाम जो है आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित रोका छेका अभियान का संबंध किस कार्यक्रम से है।
तो अभी आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बैनर ले लेके ग्राम पंचायतों में खड़े होकर, मतलब एक अभियान भी चलाया गया था, रोका छेका अभियान ऐसा करके आया था सब फोटो वगैरह। तो इसका जो संबंध है वो क्या है, फसलों एवं पशुओं की सुरक्षा से है, ठीक है ना। आप जानते हैं अब खेती का सीजन आ गया है, गाँव में क्या होता है पशुओं को छोड़ दिया जाता है, तो खेतों में क्या होता है भाई, पशु जो है जाके खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, और फिर जो मान लीजिए किसान है या अन्य कोई है वो लोग पशुओं को बांध लेते हैं, तो फिर दिक्कतें आती है ना, कई प्रकार के पशुओं को मारते हैं भगाते हैं जो भी है। तो ये सब दिक्कतों से मतलब ये रोकने के लिए रोका छेका अभियान चलाया गया, ये 19 जून से लेकर 30 जून तक चलाया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी 30 जून तक चलना ही है, जिसमें पशुओं की भी सुरक्षा होगी और फसलों की भी सुरक्षा होगी, दोनों तरीके की सुरक्षा होगी। गवर्नमेंट जो है, मैं देख रहा हूँ सीजी की गवर्नमेंट जो है, वर्तमान गवर्नमेंट, इन्होंने किसानों के हित के लिए बहुत काम करे हैं। भले लोगों को नहीं लगता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि भाई किसानों के हित के लिए काफ़ी सारे काम जो है प्रयास कर रहे हैं। अब चाहे वो समर्थन मूल्य को बढ़ा के देना हो, है ना, चाहे कर्जा माफ़ी करना हो, चाहे ये आपका नरवा गरुवा बाड़ी योजना वगैरह जो चल रहा है इसके अंतर्गत हो। आज ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ा जिसमें जो है अब गोबर भी खरीदेगी गवर्नमेंट, जो है गोबर खरीदने वाली है, और मतलब देश का पहला एक ऐसा स्टेट बनने वाला है जहाँ की सरकार जो है अपने किसानों से गोबर को खरीद लेगी, और खरीदने के बाद जो इसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करके वापस किसानों को बेचेगी, ताकि अपने खेतों में जो है ये कह सकते हैं रासायनिक खाद की जगह जो है ये नेचुरल खाद वगैरह यूज़ करे। और ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, बहुत अच्छी पहल है, और इससे जो पशुपालक हैं है ना उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो डंग वगैरह यानी कि गोबर वगैरह जो रहता है वो ऐसे फैले भी रहता है, कई लोग वेस्टेज में भी जाता है, बहुत सारा फैले भी रहता है, तो वो थोड़ा सा मतलब दूषित भी करता है वातावरण को। तो अब क्या है, लोग उसको संभाल कर रखेंगे, और रखने के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट को सेल करेंगे। एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो गौठान वगैरह है ये यहाँ पे सफलता पा सकता है इस चीज़ से, क्योंकि गौठान में क्या पशुओं को एकत्रित करना है, तो जितने ज़्यादा पशु एक जगह रहेंगे एकत्रित, वहाँ पे क्या है गोबर की संख्या मात्रा जो है उतनी मात्रा में अच्छा खासा निकल आएगा। अब निकलने से क्या है, फिर उसको किसान जो है आराम से अपना बेच सकता है, ठीक है ना। तो बेचने के माध्यम से जो है बेच देगा, और बेचने के बाद जो है वो वर्मी कंपोस्ट के रूप में बन जाएगा। महिला सहायता समूह, स्व सहायता समूह वगैरह की शायद इसमें मदद ली जाएगी, ऐसा कुछ होगा, और उसके बाद जो है फिर उसको एक रोजगार ही मिलेगा उसमें भी, क्योंकि भैया वो कंपोस्ट खाद बनाना है तो वो भी एक रोजगार बनेगा। कंपोस्ट खाद ऐसा तरीके मशीन में डाल दिए बन गए, तो वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो मशीन में पॉसिबल ही नहीं है, तो वो कह सकते हैं कि इस तरह से जो है वो भी एक रोजगार बनेगा, कि जो वर्मी कंपोस्ट बनाएगा उसके बाद फिर उसको बेचेंगे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। तो अच्छे अच्छा खासा जो है एक पहल से कई सारे लोग जो है इसमें तर जाएंगे एक तरह से। तो ये जो है दोस्तों आपको याद रखना है कि रोका छेका अभियान जो है ये फसल और पशुओं के लिए जो है, ये इनकी सुरक्षा के लिए जो है 30 जून तक चलाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य के कितने जिलों को अत्यधिक वज्रपात वाला जिले की श्रेणी में शामिल किया है, ठीक है। वज्रपात का मतलब क्या होता है, वो बिजली बिजली गिरता है ना, आकाशीय बिजली, लाइटनिंग जो बोलते हैं ये चीज़ें, ठीक है। आप जानते हैं बहुत उड़ीसा वगैरह में बहुत गिरता है, एकदम ज़्यादा वहाँ हालत ख़राब रहती है, उड़ीसा आंध्रा में सब, ठीक है। तो ये वज्रपात छत्तीसगढ़ में भी गिरता है, तो छत्तीसगढ़ के चार ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली गिरती है दोस्तों, आकाशीय बिजली, और वो है आपका कोरबा, रायगढ़, महासमुंद और बस्तर, ठीक है। और चारों यदि ध्यान से देखेंगे तो हिल एरिया है, कोरबा भी है हिल एरिया आ जाता है थोड़ा, रायगढ़ भी वही हाल है, ठीक है, महासमुंद में भी उच्च भूमि है, और इधर बस्तर वगैरह में तो आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है, आप उजमाड़ की पहाड़ियाँ वगैरह सब हैं। तो ये जितना एरिया है, ठीक है, ये सब में लाइटनिंग बहुत होती है, तो इनको जो है लोगों ने चिन्हित किया है कि ये जो है सबसे ज़्यादा वज्रपात वाले ज़िले हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल हाथियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या कितनी है, तो 290 जो है दोस्तों ये वर्तमान में हाथियों की संख्या है। हाल ही में कुछ हाथियों की जो है मृत्यु हो गई थी, तो इस तरह से जो ये जो मैटर है थोड़ा सा उभर के आ गया है सामने, तो आप ध्यान रखिएगा कि 290 हाथी जो है, एलिफेंट्स जो है, वो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, वीडियो काफ़ी छोटा बनाया है मैंने, क्योंकि ज़्यादा अच्छा मैटर जो है, इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद भी मुझे इतना अच्छा मैटर मिला नहीं है, फिर भी जो है मैंने, मुझे लगा कि भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ज़्यादा डिटेल करने से अच्छा है कि जो है डायरेक्ट बात की जाए, और इस तरह से मैंने MCQs जो है बनाया है, और इसमें प्रश्न भी वही दिया जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फालतू का कचरा जमा करने कोई मतलब नहीं है। चलिए लास्ट प्रश्न है, टाइम बी स्कूल सर्वे के अनुसार भारतीय प्रबंधन संस्थान
श्रेष्ठता की सूची में IIMR किस क्रम पे है, ठीक है, मतलब कि IIMR जो है वो किस क्रम पे है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो रायपुर में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान है रायपुर का, ठीक है, इस इनके एक सर्वे हुआ था जिसमें श्रेष्ठ कौन सा, भाई देश भर में कौन सा जो है सबसे श्रेष्ठ है, इसकी एक सूची बनाई गई। तो इस सूची में जो है जो रायपुर में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIIM जो है ये कौन से नंबर पे देश में आता है। तो काफ़ी गर्व की बात है, काफ़ी अच्छी बात है कि IIIMR जो है दोस्तों, MR जो है ये देश में द्वितीय श्रेणी पे आ गया है, ठीक है, सेकंड नंबर पे इसकी पोजीशन है श्रेष्ठता पे, ठीक है। और पहले नंबर पे शिलोंग वगैरह है, तो खैर शिलोंग वगैरह का तो बहुत पुराना भी है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को तो भी जानते हैं, हाल ही में कुछ साल पहले बना है। तो इस प्रकार से द्वितीय श्रेणी पे है देश में, इतने कम समय पे इतना इसने जो है कह सकते हो अच्छे अंक हासिल करके अपनी श्रेष्ठता जो है साबित की है। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा कि IIIMR जो है रायपुर का ये सेकंड नंबर पे आता है देश में, ठीक है, श्रेष्ठता में। और इसको टाइम बी स्कूल सर्वे ने जो है जारी किया है रिपोर्ट को। तो ये था दोस्तों आपका 11 जून से लेकर 20-21 जून तक का भी मैंने कवर कर दिया था। तो 20-21 जून तक का जो है मोटा मोटा समसमाय की घटनाओं पे MCQs छत्तीसगढ़ से संबंधित, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और स्क्वीज वीडियो पे जो है कि भारत का पहला भारतीय प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब तो आप जानते हैं फॉरनर है, तो भारतीय प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, तो उस पर भी हमने जो है अपना चैनल जारी रखा हुआ है। और वहाँ जाके भी आप हमें सब्सक्राइब करके हमें कह सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।